स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो प्रीवियस लेक्चर था हम लोगों का, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू फाइंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो स्फीयर का हम लोगों ने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था। आज जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग सीखेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हेमी स्फीयर। तो यहाँ पे एक हेमी स्फीयर है जिसका रेडियस r है और हमें फाइंड करना है इस हेमी स्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्ट्रिप कट करते हैं और उस स्ट्रिप का पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, देन उसको इंटीग्रेट करके पूरे शेप का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें मास पता होना चाहिए। हेमी स्फीयर है, इसका मास कितना होगा? तो मास ऑफ हेमी स्फीयर ये मास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये इक्वल टू होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हेमी स्फीयर जो होता है इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो हम लोगों ने देखा था कि जो स्फीयर था उसका वॉल्यूम था 4/3 πr³। तो हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 2/3 πr³ इंटू डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं यूनिफॉर्म है और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमें मास मिल जाएगा इस हेमी स्फीयर का। ये तो मास हो गया इस हेमी स्फीयर का, हमें फाइंड करना है इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं इस हेमी स्फीयर में। एक स्ट्रिप कुछ इस टाइप से कट करेंगे जिसकी थिकनेस मान लेते हैं क्या है, डीजेड थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं। ये जो थिकनेस है इस स्ट्रिप की, इसको मान लेते हैं ये डीजेड है ये, और इसका जो रेडियस होगा इस स्ट्रिप का, अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो कुछ इस टाइप से स्ट्रिप बाहर आएगी। तो इसका रेडियस होगा, अगर ये रेडियस कैपिटल आर है तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर, इसके रेडियस को स्मॉल आर। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे हम लोगों ने स्फीयर के केस में किया था। तो इस रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर, और ये जो हाइट है जिस हाइट पर इस स्ट्रिप को कट किया गया, इस हाइट को मान लेते हैं जेड। इसको मान लेते हैं कि ये हाइट कितनी है, जेड, यानी जेड हाइट पे, ये हाइट जेड हाइट पे स्मॉल आर रेडियस का एक स्ट्रिप हम लोगों ने कट कर लिया। तो ये एलिमेंटल स्ट्रिप जो कट किया है, अगर इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो इसका शेप कैसा होगा? तो इसका शेप एक डिस्क टाइप का होगा। इसका शेप कैसा होगा मैं यहाँ बनाता हूँ। ये जो स्ट्रिप कट करके हम लोग बाहर निकालेंगे, इसका जो व्यू होगा कुछ ऐसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा। ये फ्रंट व्यू होगा, टॉप से देखेंगे तो हमें पूरी डिस्क दिखेगी और जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ये रेडियस स्मॉल आर और इसकी थिकनेस डी जेड। तो डी जेड थिकनेस और स्मॉल आर रेडियस की एक डिस्क इसमें से बाहर आएगी अगर हम यहां पे एक स्ट्रिप कट करते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप कह सकते हैं। तो हम जानते हैं डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, हम लोग जानते हैं कि डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम यहां लिखते हैं कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ये होता है 1/2 इंटू मास ऑफ डिस्क, 1/2 इंटू मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, आर स्क्वायर। तो 1/2 mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का। तो इसका मास हम मान लेते हैं dm है, इसका मास, अगर हमारे इस हेमीस्फीयर का मास m है तो इसी हेमीस्फीयर से इस स्ट्रिप को हम लोगों ने कट किया है तो इसका मास बहुत कम होगा, तो मान लेते हैं कितना है, dm है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क यानी IZ, ये एक्सिस हमारा जेड है, तो IZZ ऑफ डिस्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 dm इंटू आर स्क्वायर। ये हो गया डिस्क का। अब हमें फाइंड करना है इस हेमी स्फीयर का, तो पहले हम ये dm पता कर लेते हैं कितना है, इस डिस्क का मास dm जिसको हमने माना है ये कितना होगा। तो यहां हम पता करते हैं मास ऑफ डिस्क कितना होगा, तो मास ऑफ डिस्क
इक्वल टू, आप जानते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका रेडियस स्मॉल आर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थिकनेस कितनी है डीजेड, तो पाई आर स्क्वायर डीजेड अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम मिल गया, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, डीजेड से मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम मिल गया, और अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसी में से कट करके इस स्ट्रिप को हम लोगों निकाला है तो इसकी भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, यानी जो डिस्क का मास है ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डीजेड रो होगा। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया के फार्मूले में, तो देयर फॉर वी कैन से आई जेड जेड ऑफ डिस्क, आई जेड जेड ऑफ डिस्क इक्वल टू 1/2 डीएम, तो डी हमारा कितना आ गया मास ऑफ डिस्क, पाई आर स्क्वायर डी जेड रो इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो मास ऑफ डिस्क फाइंड किया पाई आर स्क्वायर डी जेड रो, इसको यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में, मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन वन बना देता हूँ, इसी इक्वेशन वन में ये मास की वैल्यू पुट कर दिया, मास ऑफ डिस्क मतलब ये डीएम है, ये क्या है, ये डीएम है जो हम लोगों ने फाइंड किया, ये क्या फाइंड किया है डीएम, तो डीएम को यहाँ पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल है, डीजेड भी वेरिएबल, तो आर जब आप पूरे इस हेमी स्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करने जाओगे तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे जेड के टर्म में, डीजेड है आपका ये, तो जेड के टर्म में इंटीग्रेट करना है, तो हम इस स्मॉल आर को कोशिश करते हैं जेड के टर्म में फाइंड करने के लिए स्मॉल आर को, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है, ये रेडियस है कैपिटल आर, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, जिसमें ये आपका कैपिटल आर है और ये हाइट कितनी है जेड, और ये कितना है स्मॉल आर है, अगर यहाँ से देखोगे फ्रंट व्यू इसका, सामने से देखोगे ये स्मॉल आर, ये आपका कैपिटल आर और ये जेड, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, जो लोग प्रीवियस वीडियो देखें उनके समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा, फिर से मैं कह रहा हूँ आप वीडियोस को सीरियल नंबर से देखिए, बीच बीच से देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने डिस्क का प्रूफ कराया है, मैंने कोन का प्रूफ कराया है, स्फीयर का प्रूफ कराया है, आज जो है हम लोग हेमिस्फीयर पढ़ रहे हैं, तो पीछे के तीनों वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिएगा, ये आप ये प्रूफ फिर आप अपने आप समझ जाओगे और करने लोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आसान भी लगेगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स में आपको पूरा इस पर पढ़ा रहा हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो इसमें स्मॉल आर स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड कर लिया आर और जेड के टर्म में, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं और आई जेड जेड ऑफ डिस्क इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड रो इंटू, फिर से आर स्क्वायर आ गया तो फिर से हम पुट करेंगे आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू को पुट कर दिया, या फिर हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रो डी जेड, रो डी जेड, ये आ गया हमारा डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया। और ध्यान रखिएगा हमें फाइंड करना है मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस हेमी स्फीयर, तो अब हम कह सकते हैं कि देयर फॉर मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू, हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डिस्क के मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया को, डिस्क के मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया को, कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू आर, ये हमारा जीरो टू आर वेरी कर रहा है, ये हमारा जो वेरिएबल है जीरो टू आर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू आर। अब आप सोच रहे होंगे कि स्फीयर में हम लोगों ने माइनस आर टू आर किया था, क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पे हमारा इसके नीचे भी हाफ स्फीयर इसके नीचे था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे जीरो टू आर आई जेड जेड ऑफ डिस्क। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हम लिखते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ हेमी स्फीयर आई जेड जेड ऑफ हेमी स्फीयर, मैं इसको एस पी एच सॉल्ट में लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू जीरो टू आर आई जेड जेड ऑफ डिस्क की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये कितना है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर
होल स्क्वायर रो डी जेड, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे रो डी जेड। तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, अब सिंप्लीफाई ही करना है हम लोगों को, तो इसको हम लिख सकते हैं इसमें 1/2 pi rho, 1/2 pi rho, इसको बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं इसको 1/0 to r, ये आपका r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो r पावर 4 प्लस जेड पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से इसको ओपन कर दिया dz। अब क्या करेंगे, एक एक टर्म का इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/2 pi rho r पावर 4 dz है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, r पावर 4 हमारा कांस्टेंट टर्म है तो r पावर 4 इंटू जेड आ जाएगा, इंटू जेड यहां एक लाइन खींच लेते हैं, और प्लस जेड पावर 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा जेड पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 r स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड पावर 3 अपॉन 3, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 to r। अब इसके बाद इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, वैल्यूज को क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 pi rho, लोअर लिमिट 0 है कुछ भी नहीं आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा r पावर 5 प्लस r पावर 5 अपॉन 5, आप समझ रहे होंगे r पावर 5 क्यों होगा, क्योंकि r पावर 4 है इंटू r हो जाएगा, तो r पावर 4 इंटू r कितना हो जाएगा, r पावर 5, ध्यान दीजिएगा यहां पे r की पावर 4 है, इन प्लेस आप z क्या पुट करेंगे r, तो r पावर 4 इंटू r कितना हो गया, r पावर 5 हो गया, प्लस r पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 टाइम्स r स्क्वायर पहले से है, यहां पे r पावर 3 आ जाएगा, जब आप इस r को यहां पुट करोगे तो r पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 r पावर 5 अपॉन 3 अपॉन 3। तो इसको क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं जिससे आपको दिखे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1/2 pi rho, 1/2 pi rho इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8/15, 15 हमारा एलसीएम आएगा 5 और 3 का, तो 8/15 r पावर 5, ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया, हेमिस्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ गया, लेकिन ये किसके टर्म में आया है, डेंसिटी के टर्म में आया है और रेडियस के टर्म में, हम पढ़ रहे हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो हमें क्या करना है, इसको लाना है मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास के टर्म में, तो मास के टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इस डेंसिटी को हम रिप्लेस करेंगे मास से, कैसे, यहां हमने पहले लिखा था एक फार्मूला मास ऑफ हेमिस्फीयर, अगर इसको लिखा था तो अब इसका यूज करने का समय आ गया, इसको यूज कर लेते हैं, तो यहां से आप देखो तो डेंसिटी अगर हमें फाइंड करना हो इस स्फीयर का मास के टर्म में तो कितना हो जाएगा, 3m/3, यहां मल्टीप्लाई करेगा बाकी सब नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा 2 pi r पावर 3, तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3m/2 pi r पावर 3, इसको यहां पुट कर देते हैं तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 pi rho हमारा आ गया 3m/2 pi r पावर 3 और इंटू 8/15 r पावर 5, ये टर्म आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं बाकी जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ पे करता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखे, क्योंकि ये नीचे का पोर्शन है आपको दिखेगा नहीं तो दिक्कत होगी आपको समझने में। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 15, 3 × 5 = 15, ये हो गया, r पावर 3 है ये 5 में से माइनस हो जाएगा तो 5 − 3 कितना हो गया, r पावर 2 हो गया और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, सिंप्लीफाई करने पे आ गया IZZ ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 2, नीचे क्या है 5, तो इसको हम लिखेंगे 2/5 m और रेडियस का स्क्वायर बचेगा r स्क्वायर, तो 2/5 mr स्क्वायर, ये आ गया मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया
ऑफ हेमीस्फीयर। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया हेमीस्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा। यहाँ पे m क्या है, वेयर, मैं लिख दे रहा हूँ वेयर, वेयर m इज मास ऑफ हेमीस्फीयर। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि सेम मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें मिला था स्फीयर के केस में। जब हम लोगों ने स्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड किया था तो वहां भी 2/5 एम आर स्क्वायर आया था। बस वहां पे एम ये क्या था, वहां पे एम था मास ऑफ स्फीयर, यहां पे एम क्या है, मास ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का जो मास होता है वो स्फीयर के मास का हाफ होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर सकते हो और इस तरह से आप हेमीस्फीयर का, ये हेमीस्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ हेमीस्फीयर आपके समझ में आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।